दिल्ली के एक और मसाज पार्लर पर छापा पड़ा है। महिला आयोग की टीम एक्शन में है। पूरा जीबी रोड बना रखा है, गली गली कोची कोची में खोल रखा है, सीसीटीवी एक बार चेक। इस मकान के अंदर पहला कदम रखते के साथ ही ये तो साफ समझ में आ गया कि मसाज पार्लर के नाम पर यहाँ खुल्लम खुल्ला सेक्स रैकेट चल रहा है। लेकिन महिला आयोग की टीम ये देखकर दंग रह गई। तीन धंधेबाजों को कायदे कानून और पुलिस का रत्ती भर भी डर नहीं है। ग्राहकों को लुभाने के लिए इन लोगों ने सेक्स के धंधे का पूरा मेन्यू कार्ड बना रखा था। देखिए मेन्यू, देखिए तो सही देख रहे हैं, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। इतने गंदे आदमी, अरे बेशरम, क्या पढ़ूं इसमें, ये देखो जरा इसके गंदे काम। मकान के अंदर छोटे छोटे तहखाने नुमा कमरे बने हुए थे। इनमें कई लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले। हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसकी निगरानी एक कंट्रोल रूम से की जा रही थी। यानी सेक्स रैकेट के साथ अश्लील फिल्मों का धंधा भी यहाँ बेधड़क चल रहा था। ये सब कुछ ऑपरेट किया जा रहा था एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। ये देखिए लड़कियों की सारी फोटोज, और वो कह रहा है कि लड़की भेज दे, दे दे, पता नहीं क्या क्या गंदगी मचा रखी है। जिस तीन मंजिला इमारत में ये खेल चल रहा था वो किसी किले से कम नहीं है। ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि नीचे का दरवाजा ऊपर की मंजिल से खुलेगा, ताकि छापा पड़ने की सूरत में सेक्स के धंधे पर पर्दा डालने का वक्त मिल जाए। थर्ड फ्लोर के कमरे में बटन दब रहा है और तब जाके ये सेकंड फ्लोर का गेट खुल रहा है। जो नीचे जो गेट है ना, ये ऊपर से ऑपरेशन, जो ये कह रहे थे ना कि बटन दबते तब तहखाने खुलते हैं। कौन सा बटन है? महिला आयोग और पुलिस की टीम ने दिल्ली के बुराड़ी इलाके में चल रहे इस अड्डे में पहले नकली ग्राहक भेजे थे। दरवाजा खुलते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई और मसाज पार्लर का राज फाश हो गया। पार्लर से 5 लड़कियों और संचालक को हिरासत में लिया गया है।